अहम भूमिका निभाएंगी और शपथ ग्रहण में भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तीनों को तत्काल ओडिशा जाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। आज शाम ओडिशा पहुंचेंगे ही तीनों नेता। दरअसल ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ओडिशा में सरकार के गठन की। तीनों को तत्काल ओडिशा जाने के निर्देश दिए गए, जिसमें आलोक शर्मा जो कि अभी भोपाल से सांसद चुने गए हैं, मंत्री विश्वास सारंग जो कि मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री हैं, और ये दो नेता और साथ ही लोकेंद्र पराशर को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के नेता लोकेंद्र पराशर ओडिशा में सरकार गठन की भूमिका इनकी रहेगी और साथ ही देखना यह होगा कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन किस तरह से किया जाता है और इस भूमिका में किन बातों का ध्यान रखने के लिए इन्हें कहा गया या क्या स्थिति वहां पर रह सकती है। सरकार गठन को लेकर किन बातों का ध्यान इन्हें रखना होगा, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। दुर्ग में दो लाशें मिलने से सनसनी फैल गई है। दो सगे भाइयों की लाश मिली है। दरअसल अलग अलग कमरे में ये लाश मिली है, कई दिन पुरानी ये लाश लग रही है। कमरे से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और खरून ग्रीन कॉलोनी में ये लाशें मिली हैं। आसपास के लोगों को दुर्गंध आई, तब कहीं जाकर इसका खुलासा हुआ और कई दिन पुरानी ये लाशें हैं। दरअसल कमरे से दुर्गंध आने पर इसका खुलासा हुआ। दुर्ग से पूरा मामला सामने आया, जहां पर दुर्ग में दो सगे भाइयों की लाश मिली है और अलग अलग कमरे में ये लाशें मिली हैं। और अब देखना ये होगा कि आखिर ये दोनों भाइयों की मौत एक साथ कैसे हुई, ये किसी हत्या के वारदात की आशंका है। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, पुलिस क्या बता रही है, आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन की बात में ही कुछ तो वजह सामने आ पाएगी, लेकिन जिस तरह से घटना हुई है ये बताया जाता है कि जो दो भाई हैं वो अकेले ही रहते हैं, उनके माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। ये भी बताया जाता है कि वो नशे के आदि भी थे, लेकिन ये प्राथमिक जानकारी है। अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो उसके बाद में और पता चलेगा। आज सुबह जब उनके कमरे से काफी बदबू आ रही थी, तब पड़ोसियों ने उसकी सूचना दी पुलिस को, और उसके बाद में जब वहां पर देखा गया तो उन दोनों की लाश मिली गई थी। तो पुलिस ने भी लाश को अपने कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और तमाम पहलुओं पर जांच की जाएगी कि आखिरकार वजह क्या थी और ये किस तरह से घटना हुई कि जब दोनों भाइयों की लाश एक ही घर में पाई गई या दोनों अलग अलग कमरों में पाई गई थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और कोंडागांव से खबर है, जहां नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। शादी समारोह से लौट रहे ग्रामीण को गोली मार दी। मुखबिरी के शक में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला कोंडागांव से सामने आया और आपको बता दें यहां पर ये पूरा हत्याकांड नक्सलियों ने इसको अंजाम दिया। शादी समारोह से लौट रहे ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी।